हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गैस दिस इज़ लेक्चर नंबर फोर ऑफ योर क्विक रिविजन सीरीज एंड इसके अंदर भी हम फटाफट से कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे बजट का भी एक एलिमेंट इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द डायरेक्ट टैक्सेस पार्ट और स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स uh, part हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कवर अप किए हैं एंड गाइज uh, एक फीचर uh, की मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब के अंदर आई हैव स्टार्टेड वन थिंग दैट सी द प्लान इज़ टू ग्रो दिस चैनल इट इज़ वेरी क्लियर कि इस चैनल को ग्रो करना है अगर किसी को भी लगता है कि ये क्वालिटी कंटेंट है तो वो इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करे आप सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक like करो वीडियोस को जितनी ज़्यादा आप इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना ज़्यादा हम और ज़्यादा क्वालिटी और और ज़्यादा इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर पाएंगे ठीक है एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड इज़ वी हैव स्टार्टेड विद वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन्स ठीक है तो आप वॉल्ट्रीली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो चैनल के ऊपर और राइट उसके लिए कुछ नहीं करना है वीडियो के नीचे देर इज़ अ बटन ऑफ सुपर थैंक्स तो उसमें जाकर के आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं फाइनेंशियली ओके okay? चलिए सो विल स्टार्ट विद आई सी सी अवार्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के अंदर नहीं आते हैं यू पी एस सी में बट इन एग्जाम्स लाइक ई पी एफ ओ एंड इन एग्जाम्स लाइक ए पी एफ सी सी डी एस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क ओके सो इसके अंदर देखो क्या क्या अवार्ड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सबसे पहले आई सी सी मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसके लिए सर गर्फिल्ड गे, सॉबर्स ट्रॉफी मिलती है बाबर आज़म पाकिस्तान से इनको आई सी सी मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है उसके बाद आई सी सी वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर विच इज़ इन नेम ऑफ रेशल हे हो ये मिला है नेट स्क्यूअर इंग्लैंड से हैं ये आई सी सी स्पिरिट ऑफ़ द क्रिकेट अवार्ड मिला है आसिफ शेख नेपाल मेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को मिला है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड से हैं वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नेट स्कीवर अगेन एंड जो आपका आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड है दैट हैज बीन गिवन टू रिचर्ड एलिंग रॉत ओके जो आपके एलिंग वर्थ जो इंग्लैंड के हैं उसके बाद इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रेणुका सिंह जो इंडिया से हैं इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मार्को जेनसन जो साउथ अफ्रीका से हैं वुमेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेटर तहिला ऑस्ट्रेलिया मेंस टी ट्वेंटी मिला है सूर्य कुमार यादव इंडिया वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है ईशा ओजा को यू एंड मेन्स एसोसिएट क्रिकेटर मिला है गेरहार्ट एरेमस को नेमीबिया तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो थोड़े से आपको दिमाग में रखने हैं जनरली वो वैसे तो इंडिया स्पेसिफ़िक ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं जैसे इंडिया स्पेसिफ़िक तो आपके दो ही अवार्ड्स आ गए ना एक तो आईसीसी सी सी टी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है और एक आईसीसी सी इमर्जिंग वुमेन तो ज़्यादा चांस तो इसके हैं लेकिन बाकी भी आप कर लीजिएगा देख लीजिएगा उसके बाद आपके पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए थे जिसमें पद्मा अवार्ड्स में आपका पद्मा विभूषण जो हाईएस्ट होता है अमंग द पद्मा थ्री पद्मा अवार्ड्स तो पद्मा विभूषण में छ अवार्ड्स अनाउंस हुए थे छ के छ आपको पता होने चाहिए बालकृष्ण दोषी पॉस्टुमस पॉस्टुमस बेसिकली क्या होता है आफ्टर डेथ तो इनको आर्किटेक्चर के अंदर अवार्ड मिला है गुजरात कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्ट श्री जाकिर हुसैन आर्ट महाराष्ट्र एस एम कृष्णा पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका श्री दिलीप महलनोबिस पॉस्टमस इनको मेडिसिन के कंट्रीब्यूशन में वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे श्री श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग बेसिकली दिस इज गिवन टू द पर्सन हु इज फ्रॉम यूएसए यू इंडियन ओरिजिन के बट इज द करेंटली सिटीजन ऑफ यूएसए तो uh, ये भी आपने ध्यान में रखना है मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स के लिए पॉस्टमस आफ्टर डेथ यूपी पद्म भूषण नौ है तो नौ के नौ याद होने चाहिए एस एल भैरप्पा लिटरेचर और एजुकेशन में कर्नाटका से कुमार मंगलम बिरला ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र दीपक धार साइंस एंड इंजीनियरिंग महाराष्ट्र वानी जयरम आर्ट तमिलनाडु स्वामी चिन्ना इनको स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला तेलंगाना से बिलोंग करते हैं सुमन कल्याण कुमार आर्ट महाराष्ट्र कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन दिल्ली सुधा मूर्ति सोशल वर्क कर्नाटका बेसिकली ये नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं उनकी वाइफ हैं श्री कमलेश डी पटेल स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला है तेलंगाना से पदमाश्री में 91 वन अवार्ड थे लेकिन 91 के 91 की लिस्ट याद नहीं करनी है कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप पर आपके लिए स्लाइड में डाले हैं वो याद रख लीजिएगा भीकू राम जी सोशल वर्क से मिला है महाराष्ट्र बिक्रम बहादुर सोशल वर्क त्रिपुरा श्री रामकुई वांगबे सोशल वर्क असम हीराबाई लोभी सोशल वर्क गुजरात मूलचंद लोधा सोशल वर्क राजस्थान गजानन जगन्नाथ मने सोशल वर्क महाराष्ट्र एंड श्री उमा शंकर पांडे सोशल वर्क यूपी तो ये सोशल वर्क वाले कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने डाले हैं इतने भी अगर थोड़े से दिमाग में रख लेंगे तो ठीक रहेगा वैसे जनरली अगर वो सवाल पूछेगा पूछेगा तो पद्म पद्म विभूषण या भूषण में से इसमें एक और नाम याद रख लेना रवीना टंडन क्योंकि थोड़ा बॉलीवुड वाला एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है तो वो पूछ लेते हैं रवीना टंडन जो आपकी एक्ट्रेस हैं इनको भी पद्मश्री जो है अवार्ड मिला है यहाँ पर ओके उसके बाद कुछ आइलैंड्स का रीनेमिंग हुआ है जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के हैं तो बेसिकली ट्वेंटी थे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीनेम किया था और ये बेसिकली परमवीर चक्र अवार्ड जिनको मिला है ना उनके नाम पर बेसिकली इन आइलैंड्स को रीनेम किया गया है ये आइलैंड्स के जो ट्वेंटी वन आइलैंड है ना ये अननेम्ड थे ऐसा नहीं है कि कोई नाम चेंज करके किया है अननेम्ड थे नंबर नंबरों से जाने जाते थे तो अब इसमें सारे आइलैंड्स के नाम ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करनी होती है एज इट इज नामों को रट्टा लगाना तो बहुत मुश्किल है इक्केस नाम थोड़ा सा बस दिमाग में कि अगर किसी तरीके से वो पूछ ले तो आता हो तो धन सिंह आईलैंड ओके okay, उसके बाद तारापुर आईलैंड नाम आगे लिखे हुए हैं कि किन किन के नाम पर था एग्जैक्टली exactly याद करने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा आइडिया रखना है करम सिंह आइलैंड बन्ना आइलैंड एक आईलैंड खेत्रपाल आइलैंड पांडे आइलैंड होशियार आईलैंड शैतान आईलैंड ओके okay, उसके बाद जादूनाथ आइलैंड योगेंद्र आइलैंड हमीद आइलैंड राने आइलैंड रामास्वामी आइलैंड बत्रा आइलैंड जोगिंदर आइलैंड सिलारिया आइलैंड पीरू आइलैंड सोमनाथ आइलैंड सेखो आइलैंड एंड संजय आइलैंड तो ये आ, बेसिकली काफी सारे इसमें जो है वो आ, जो आपके कारगिल वॉर के जो हीरोज हैं उनके नाम है जिसकी मैं सेकेंड गाइस ओके नेक्स्ट इज आईसी वुमेन्स अंडर नाइनटीन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था ठीक है और इसके अंदर इंडिया जीता है तो ये इनगरल था अंडर नाइनटीन के लिए वुमेन कैटेगरी के अंदर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इंडिया ने इंग्लैंड को हराया सेवन विकेट से जनवरी ट्वेंटी नाइन को फाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था एग्जैक्ट शहर का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है शेफाली वर्मा इस टीम की कैप्टन थी ठीक थी, है इतना ध्यान में रखेंगे उसके बाद इंडिया के अंदर उड़ीसा स्टेट में आपका मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 एंड दिस वाज द फिफ्टींथ वर्ल्ड कप भुवनेश्वर और रौरकला दो एरियाज के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जर्मनी ये वर्ल्ड कप जीता है गोल्ड मेडल बेसिकली इसके अंदर और इन्होंने बेल्जियम को हराया था तो फाइनल में अगर जर्मनी और बेल्जियम थे तो जर्मनी ने जीता गोल्ड तो बेल्जियम का ऑटोमेटिकली क्या आ गया सिल्वर ठीक है और उसके बाद नीदरलैंड्स जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया ओके तो गोल्ड सिल्वर और तीनों आपके पास आ गए जर्मनी बेल्जियम और नीदरलैंड्स इंडिया जो होस्ट कर रहा था इसने नाइन्थ पोजीशन शेयर की है अर्जेंटीना के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन ये जो ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के चार ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं साल में इंपॉर्टेंट इनमें से सवाल पूछे जाने के काफी हाई चांसेस होते हैं हंड्रेड एंड इलेवंथ एडिशन था ऑस्ट्रेलियन ओपन का और मेन सिंगल में नोवेक जो है सर्बिया के ये जीते हैं इन्होंने स्टेफिनोस को हराया ग्रीस के ठीक है ये याद रखने पड़ेंगे बेटा जरूरी नहीं है कि एज इट इज इनके नाम याद रखो उल्टा सीधा करके नाम को तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी याद कर लो ठीक है बुरा नहीं मानते ये लोग बिल्कुल भी वुमेन सिंगल आर्यना सेबलंका बेलेरस की हैं और इन्होंने हराया है एलेना रेबिकिना को नाम लेने इनके थोड़े से प्रोनाउंसिएशन के अंदर डिफिकल्ट आती है तो जैसे मैं इसी मर्जी तोड़ लो अब अगर मेरे को वुमेन सिंगल एज अ स्टूडेंट मेरे को याद करना होगा मैं तो आरियन के नाम से याद रखूंगा ठीक है मैन सिंगल में नोवेक के नाम से याद रख रख लूंगा और रनर अप में स्टीफनस के नाम से याद रख लूंगा वुमेन सिंगल में मैं रनर्स अप का नाम एलिना से याद रख लूंगा सिर्फ मेंस डबल में रिंकी और जैसन जरूरी थोड़ी है मेरे को पूरे पूरे नाम याद करने की जरूरत नहीं है बस एक आइडिया जिससे बस मेरा टिक लग जाए वुमेन्स डबल में बैरबर और, और कैटरीना मिक्स डबल्स में ल्यूजिया और रेफेल तो इस तरीके से बस माइंड के अंदर पिक्चर क्रिएट करनी है कि ऑप्शन आ जाए तो उस उसपे टिक लग जाए अब फाइनली हम बात करेंगे बजट के कुछ एलिमेंट्स की तो डायरेक्ट टेक्सेस से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स थे बजट में वो देखेंगे तो रिबेट लिमिट पर्सनल इनकम टैक्स के लिए सात लाख कर दी गई है पांच लाख से तो सात लाख की इनकम तक आप रिबेट ले सकते हो नई इनकम टैक्स रिजाइम को अगर आप नई इनकम टैक्स रिजाइम में अगर आप कवर्ड हो तो बेसिकली नई इनकम टैक्स रिजाइम में अगर सात लाख तक की किसी की इनकम है तो उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि रिबेट मिल जाएगा जो टैक्स स्ट्रक्चर है न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजाइम में जो 2020 में हुआ था उसमें छह इनकम स्लैब्स थे अब इसमें हमने पांच इनकम स्लैब्स करने की बात आ रही है कि पांच इनकम स्लैब्स हम इसके अंदर कर देंगे ठीक है तो जीरो टू थ्री लैक्स तो नील ही हो जाएगा ओके जीरो टू थ्री लैक्स नील हो गया तो इसको आप एज अ स्लैब नहीं काउंट करोगे उसके बाद तीन से छह लाख पे पांच परसेंट टैक्स छह से नौ लाख पे दस परसेंट नौ से बारह पे पंद्रह परसेंट बारह से पंद्रह पे बीस परसेंट और पंद्रह लाख से ऊपर पे तीस परसेंट इनकम टैक्स लगेगा अब आपको कि कि सर पहले पॉइंट में आप कह रहे कि रिबेट लिमिट तक की हो गई है, तो न्यू रिबेट से रिफंड आ गया ठीक है एक बार तो टैक्स लगेगा ही ठीक है एक बार तो आप इन अंदर टैक्स पे करोगे ही चलिए डायरेक्ट टैक्सेज एंड बजट के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ओल्ड टैक्स रिजाइम था ना उसमें सीधी सीधी डिडक्शन अलाउड होती थी जो सैलरीड इंडिविजुअल है जो नौकरी करने वाले इंडिविजुअल है उनको सीधी सीधी एक डिडक्शन अलाउड होती थी ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड ठीक है पचास हजार रुपए की सीधी डिडक्शन अलाउ कर देते थे गिव मी जस्ट अ सेकंड ठीक है कि जितनी इनकम बनी है साल की टोटल उसमें से पचास हजार काट लो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स और फैमिली पेंशन के लिए पंद्रह हजार रुपए की डिडक्शन होती थी ओल्ड रिजाइम में तो बजट ने बोला कि इसको न्यू रिजाइम के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे हाइएस्ट सरचार्ज जो बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है उसको 37 परसेंट से कम करके 25 परसेंट पे लेकर के आया जाएगा न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जिससे अल्टीमेटली जो मैक्सिमम पर्सनल इनकम टैक्स रेट है ना वो भी 39 परसेंट तक रह जाएगा बस अब एक ना लीव एनकैशमेंट होती है पेड लीव्स होती है ना तो जॉब के अंदर क्या होता है आपको पेड लीव मिलती हैं कि साल में आप इतनी छुट्टियां ले सकते हो उसके लिए आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी अब अगर आपने वो पेड लीव्स नहीं ली तो कंपनीज आपको क्या बोलती हैं कि जब आप रिटायर हो गए ना तो आप इन लीव्स को एनकैश करा लेना ठीक है इनके आप पैसे ले लेना जो पेड लीव आपने लेनी थी बट आपने नहीं ली तो उसको आप एंड कैश करा लेना तो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड इम्प्लॉयज के लिए अगर पच्चीस लाख रुपए तक अब ये लीव एंड कैशमेंट होता है रिटायरमेंट में इतनी लीव्स इकट्ठी होगी कि पच्चीस लाख रुपए तक की हो गई तो उस केस में पच्चीस लाख तक की इस के ऊपर आपको टैक्स एग्जाम्शन मिलेगा ये जो पच्चीस लाख तक की आप लीव एंड कैशमेंट करा रहे हो ना उस पर आपको फिर टैक्स नहीं लगेगा ओके न्यू इनकम टैक्स रिजाइम को डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बना दिया जाएगा लेकिन सिटीजन के पास अभी भी चॉइस होगी कि वो ओल्ड टैक्स रिजाइम के बेनिफिट्स ले सके उसके बाद जी अगर कोई एक्सपेंडिचर अगर होता है MSMEs को पेमेंट के लिए ओके okay, उसको उसके लिए डिडक्शन अलाउ की जाएगी बट प्रॉपर उसका जो रिसिप्ट है वो होना चाहिए और टाइमली पेमेंट होनी चाहिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट में पूछ ले तो पूछ ले जो भी नई कॉपरेटिव होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज शुरू करेंगे 31 तीन 2024 तक उनको लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा जो 15 परसेंट का जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी अवेलेबल है शुगर कॉपरेटिव को भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जो भी उन्होंने पेमेंट शुगर के फार्मर्स को किया है दो हजार के असेसमेंट ईयर से पहले ठीक है उसको एज ए एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा ठीक है और अगर वो एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा तो वो अपने ultimately उसको uh, income tax, जो taxable income है उसमें से माइनस कर पाएंगे जो उनको around crores तक की uh, इंडस्ट्री uh, है उसको उसके बाद जी जो आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ये जो कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं या जो कैश में लोन दे सकते हैं उसकी लिमिट को बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि हम इसको दो लाख पर मेंबर कर देंगे ठीक है दो लाख रुपए तक आप डिपॉजिट कर सकते हो दो लाख रुपए तक का आप कैश में लोन ले सकते हो डायरेक्टली वैल्यूज पूछेगा पेपर के अंदर वो पूछेगा तो या स्टेटमेंट डाल करके ठीक है जी उसके बाद अगर कोपरेटिव सोसाइटीज कैश विड्रॉल करती हैं तो उस पर टीडीएस लगता है ठीक है वो टीडीएस एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉल पे लगता है तो तीन करोड़ तक अगर वो कैश विड्रॉल करेंगे तो उस परीडीएस नहीं लगेगा अगर तीन करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉल होगा तो उस पर उनको टीडीएस पे करना पड़ेगा नेक्स्ट आ जाता है जी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर टैक्स बेनिफिट्स ठीक है तो इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि पहले था जो स्टार्टअप इकतीस तीन दो हजार तेईस तक इनकॉर्पोरेट होंगे उनको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे अब सरकार ने ये डेट इकतीस तीन दो हजार तेईस से बढ़ा करके इकतीस तीन दो हजार चौबीस तक की कर दी है कि तक जो भी जो भी स्टार्टअप्स हैं इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं रजिस्टर हो रहे हैं उनको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे ओके उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अब जो स्टार्टअप्स हैं स्टार्टअप्स के अंदर बहुत सारे लोग पैसा लेकर के आ रहे हैं अलग अलग शेयर होल्डर हैं अब स्टार्टअप्स में कोई शेयर होल्डर अपनी पोजीशन छोड़ करके जा रहा है ठीक है अपनी पोजीशन छोड़ करके जा रहा है तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविजन है जो स्टार्टअप लॉस अगर कर रहा है ना वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब हो गया कि इस साल लॉस हो गया तो अगले साल आपको इनकम आ रही है उस इनकम में से आप उस लॉस को माइनस कर दोगे उससे क्या होगा आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी ठीक है पहले ये कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन स्टार्टअप्स के लिए सिर्फ सात साल के लिए होता था उनकी इनकॉर्पोरेशन डेट से बजट कह रहा है इसको बढ़ा करके दस साल कर देंगे ओके

तो genuinely या बाई लॉ तो आपको पचास लाख के ऊपर जो है कैपिटल गेन टैक्स पे करना है लेकिन बजट बोला कि अगर वो बंदा जिसने ये लैंड बेचा जिसके नाम ये लैंड था अगर वो इस पचास लाख को किसी रेजिडेंशियल हाउस के अंदर या किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर फिर फर्दर इन्वेस्ट कर देता है तो फिर उसको इस पचास लाख पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है पचास लाख पे टैक्स पे करने की उसको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रेजिडेंशियल या अगर वो ये पचास लाख किसी कॉमर्शियल जगह पर इन्वेस्ट करेगा तो तो उसको भरना पड़ेगा फिर नहीं वो छोड़ सकता फिर उसको भरना पड़ेगा रेजिडेंशियल में करेगा तो नहीं भरना पड़ेगा ओके और इसके ऊपर लिमिट लगाई गई है दस करोड़ की कि दस करोड़ तक का ये अलाउड है उससे ऊपर का अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर उस पर तो जो है टैक्स लगेगा फॉर एग्जांपल किसी ने लैंड खरीदा था एक करोड़ का और वो लैंड बिक गया पंद्रह करोड़ का प्रॉफिट कितना हो गया चौदह करोड़ का तो दस करोड़ तो उसको अलाउड है कि वो इन्वेस्ट कर दे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर और पूरे का पूरा एग्जेम्पन ले ले जो बाकी का चार करोड़ है ना उसपे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही लगेगा ओके जी उसके बाद प्रपोजल टू लिमिट इनकम टैक्स एक्जेंप्शन फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ़ इंश्योरेंस पॉलिसीज तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो काफ़ी हाई वैल्यू की हैं उनसे जो भी रिटर्न आ रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स एग्जेपन की लिमिट लगाना कि बस एक लिमिट तक जो है वो एग्जैम्पन मिले जो वेरियस अथॉरिटीज़ हैं बोर्ड्स हैं कमीशन हैं जो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट ने वेरियस एक्ट्स के अंदर इस्टेब्लिश किए हैं जैसे हाउसिंग के पर्पज़ के लिए सिटीज डेवलपमेंट टाउन्स एंड विलेजेस की डेवलपमेंट रेगुलेशन ठीक है तो इन सब अथॉरिटीज़ बोर्ड्स और कमीशन की जो भी इनकम होगी उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा उनको एग्जेप्शन देने की भी बजट के अंदर बात की गई है ओके okay, उसके बाद अगर कोई गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के अंदर कन्वर्ट करता है या वाइस वर्सा यानी कि गोल्ड रिसिप्ट को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करता है तो उसको फिर कैपिटल गेन नहीं ट्रीट किया जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा मार्केट लिंक वेंचर से अगर कोई इनकम आएगी उस पर टैक्स लगाया जाएगा हंड्रेड नए ज्वाइंट कमिश्नर्स की डिप्लॉयमेंट की भी बात हुई ताकि जो छोटी अपील्स हैं उनको वो हैंडल कर सकें ताकि कमिश्नर लेवल के ऊपर जो केसेस की पेंडेंसी है उसको कम किया जा सके ठीक है अगर कोई भी फंड रीलोकेट हो रहा है आईएफएससी गिफ्ट सिटी के अंदर तो उसका जो टैक्स बेनिफिट का पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है इकतीस तीन दो हजार पच्चीस तक और इनकम टैक्स एक्ट में जिनके ऊपर क्रिमिनलाइजेशन होती थी जिसके लिए उनको जेल या सजा हो सकती थी तो ऐसे कुछ एक्ट्स को डीक्रिमिनलाइज करने की भी बात हुई है एक अप्रैल दो से अग्निवीर फंड को ईई एक्ज एक्जाम स्टेटस मिलेगा और अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर जितना भी पैसा इकट्ठा होगा जो भी अग्निपीठ स्कीम में 2022 में एनरोल हुए वो हर तरह के टैक्स से होगा. इज ये एक बजट के अंदर आइडिया दिया गया था कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां पे पैसा जा रहा है तो आप देखो कि इंडिया में ये हंड्रेड पैसे फॉर एग्जाम्पल एक रुपया एक रुपये में कितना हिस्सा कहां से आ रहा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज थर्टी फोर पैसे जीएसटी और बाकी के टैक्सेस से सेवनटीन पैसा आ रहा है इनकम टैक्स से फिफ्टीन पैसा कॉर्पोरेशन टैक्स से फिफ्टीन पैसा एक्साइज ड्यूटी से सेवन नॉन टैक्स रिसिप्ट से सिक्स कस्टम्स से फोर और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से टू पैसा इसमें क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू द बजट जो uh, मनी आ रही है वो मैक्सिमम कहाँ से आ रही है एंड अदर से या वो अरेंज करने को भी कह सकता है तो आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना पड़ेगा हमारा ज्यादातर पैसा जा कहाँ रहा है बीस परसेंट पैसा हमारा इंटरेस्ट भरने में चला जाता है ठीक है उसके बाद जो स्टेट को शेयर देना होता है टैक्सेस का और ड्यूटीज का जो सेंटर उनको देता है अट्ठारह पैसे ये स्टेट्स में बट जाते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में हमारे सत्रह पैसे लग जाते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में नौ पैसे फाइनेंस कमीशन और बाकी के ट्रांसफर्स जो भी होते हैं नाइन पैसे डिफेंस में हमारा आठ पैसे है सब्सिडीज भरने में हम सात पैसा खर्च करते हैं जो भी हम सब्सिडीज वगैरह देते हैं पेंशन के अंदर हम चार पैसे देते हैं और अदर एक्सपेंडिचर में आठ तो ये हमारे खर्चे हैं इसको भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखना है ठीक है सो दिस वॉज इट गाइस फॉर क्विक रिविजन फोर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल